स्वास्थ्य विभाग द्वारा 16 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रदेश भर में टीबी मुक्त पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत जहां लोगों को टीबी रोग के बारे में जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं इस मौके पर टीबी से जुड़े कई नए मामले भी सामने आ रहे हैं। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी जांच के लिए विशेष केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र में मेडिकल कॉलेज में आने जाने वाले हर मरीज की टीबी जांच की जा रही है, जिसके लिए यहां बकायदा कफ कॉर्नर खोले गए हैं। पिछले 7 दिनों में यहां 1000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान करीब 100 से भी अधिक मामले पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें विभाग द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस विशेष अभियान के तहत सिरमौर जिला में हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में आगामी 30 नवंबर तक लोगों की टीबी जांच की जाएगी। वहीं आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी इस बारे में लोगों को जागरूक कर रही हैं। साथ ही ऐसे लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं जिनमें टीबी के लक्षण देखे जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पूरे हिमाचल में 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक एक हमारा जागरूकता अभियान चल रहा है, और जिसमें जो गांव लेवल पर है आशा कार्यकर्ता जो है वो घर घर जाकर टीबी के जो लक्षण है, जैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, शाम के समय बुखार रह रहा हो, छाती में दर्द हो, अगर ये कुछ सिम्टम अगर लक्षण नज़र आ रहे हो तो उनकी जांच जो है वो बलगम की जांच का सैंपल जो है लेकर नज़दीकी जो हमारा DMC केंद्र है वहाँ पर उसको भेजा जा रहा है। मुफ्त में इसकी जाँच चल रही है, और हमारे यहाँ नाहड़ में जैसे कफ कॉर्नर नाहड़ में है, इसी तरह पूरे डिस्ट्रिक्ट जो सिरमौर है हमारा उसमें कफ कॉर्नर खोले गए हैं। यहाँ हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं टीबी के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में। लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा जिनको खांसी है उनको हम तुरंत ही बोल रहे हैं कि आप अपने बलगम की जांच कराएं, क्योंकि टीबी का ऐसा है कि हम अगर जितना जल्दी इसका पता लगाएंगे उतनी जल्दी ही इसका इलाज शुरू हो जाता है और संपूर्ण ठीक। हाँ, हमारे पास अभी तक हमने लगभग 100 से ऊपर जो है वो चेस्ट सिम्टोमेटिक, जिनको हम बोल सकते हैं लक्षण वाले, है ना, लगभग 1000 से ऊपर हमने स्क्रीनिंग करी है, यहाँ पर लोगों को पूछा है, और उनमें जिनमें लक्षण पाए गए लगभग 100 के आसपास अभी तक जो है वो आंकड़ा हुआ है, उनकी जांच जो है वो हमारे यहाँ DMC केंद्र है उसमें हो रही है, और जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उसके बारे में उनको जो है वो इलाज के बारे में मुफ्त में दिए। हाँ, फ्री ट्रीटमेंट है, बिल्कुल मुफ्त में सारे सुविधा है, और निक्षय पोषण योजना भी हमारी चली है, जिसके अंतर्गत 500 रुपये प्रति माह जो है वो टीबी का जो रोगी है उसको उपचार के लिए जो है हर महीने उसकी डाइट के लिए, डाइट मनी हम बोल सकते हैं उसको, उसके लिए भी सरकार द्वारा ये बिल्कुल मुफ्त में दी जा रही है। और ये जो अभियान है मैं आपसे भी आग्रह करूँगा, क्योंकि आपके माध्यम से भी लोगों को जागरूक जो है हम लोग कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी, आम जनता के माध्यम से भी, और ख़ासकर इस कफ कॉर्नर में हम जैसे 3 लोग तैनात हैं, एक हमारे फार्मासिस्ट हैं सुषमा जी, अपना ज्योत्सना जी है मेडिकल सोशल वर्कर हैं, और हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, ये लोगों को पंपलेट बांट के भी जागरूक कर रहे हैं, और साथ में जो चेस्ट सिम्टोमेटिक है उनको जो है हम DMC केंद्र हमारा बलगम की जांच के लिए उसको भेज रहे हैं। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।